नमस्कार दोस्तों, अगर आपको चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल का 23वां और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने 400 लाइक्स का रखा है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2021 का 23वां और सबसे रोमांचक मुकाबला महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स और डेविड वार्नर की सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मुकाबले में हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जॉनी बेयरस्टो और कप्तान डेविड वार्नर की जोड़ी से हैदराबाद की टीम को एक बड़ी ओपनिंग साझेदारी की उम्मीद थी, लेकिन डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो की यह जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाई और पारी के चौथे ही ओवर में जॉनी बेयरस्टो को सैम करन ने दीपक चाहर के हाथों कैच आउट कराया। जॉनी बेयरस्टो 5 गेंदों में सिर्फ 7 ही रन बना पाए। जॉनी बेयरस्टो के रूप में गिरा पहला विकेट हैदराबाद की टीम के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन फिर उसके बाद बल्लेबाजी करने आए मनीष पांडे ने अपने कप्तान डेविड वार्नर का साथ बाखूबी निभाया। इन दोनों ने बीच के ओवरों में लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई। जी हां, डेविड वार्नर और मनीष पांडे की इस जोड़ी ने लाजवाब 100 रनों की साझेदारी बनाई। इन दोनों ने पारी के 17वें ओवर तक हैदराबाद की टीम का एक भी विकेट गिरने नहीं दिया। दोस्तों, इन दोनों ने भले ही हैदराबाद का विकेट गिरने नहीं दिया, लेकिन चेन्नई की कसी हुई गेंदबाजी के आगे डेविड वार्नर और मनीष पांडे ज्यादा तेजी से रन नहीं बना पा रहे थे। जी हां दोस्तों, जिसके चलते पारी के 17वें ओवर तक हैदराबाद की टीम केवल 128 रनों तक ही पहुंच पाई थी, जिसके चलते हैदराबाद के कप्तान ने बड़े शॉट खेलने का मन बना लिया था। लेकिन फिर पारी के 18वें ओवर में हैदराबाद का रन रेट बढ़ाने के चक्कर में कप्तान डेविड वार्नर को लुंगी नगड़ी ने जडेजा के हाथों कैच आउट कराया। डेविड वार्नर 55 गेंदों में 57 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं उनके तुरंत बाद इसी ओवर में मनीष पांडे को भी लुंगी नगड़ी ने फॉफ डुप्लेसिस के हाथों कैच आउट कराया। मनीष पांडे ने 46 गेंदों में 61 रन बनाए थे। दोस्तों, सेट बल्लेबाजों के आउट हो जाने के बाद अब सभी को लग रहा था कि हैदराबाद की टीम 150 रनों का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी, लेकिन फिर डेविड वार्नर और मनीष पांडे के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए केन विलियमसन और केदार जाधव ने अंतिम ओवरों में लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई। केन विलियमसन ने तो पारी के 19वें ओवर में शार्दुल ठाकुर को 4 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। जी हां, केन विलियमसन ने अंतिम 10 गेंदों में 26 रन बनाए, जिसके चलते हैदराबाद की टीम 171 रनों का विशाल लक्ष्य चेन्नई जैसी बड़ी टीम के आगे रख पाई। उसके बाद हैदराबाद से मिले 172 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई की लाजवाब फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी मैदान में उतरी। ऋतुराज गायकवाड़ और फॉफ डुप्लेसिस कि इस जोड़ी से चेन्नई की टीम को फिर से एक बड़ी ओपनिंग साझेदारी की उम्मीद थी और इन दोनों ने चेन्नई की टीम के कप्तान धोनी का विश्वास टूटने नहीं दिया और शुरुआत से ही हैदराबाद की गेंदबाजी की पूरी तरह धुलाई करना शुरू कर दिया। इन दोनों ने चेन्नई के लिए पहले पावर प्ले में ही टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। इन दोनों ने लगभग पारी के 12वें ओवर तक बल्लेबाजी करी। इसी बीच इन दोनों ने 129 रनों की एक विशाल ओपनिंग साझेदारी बनाई। इन दोनों की इसी ओपनिंग साझेदारी के चलते चेन्नई की टीम लगभग यह मुकाबला जीत ही चुकी थी, लेकिन फिर पारी के 13वें ओवर में राशिद खान ने चेन्नई की टीम को पहला झटका दिया। जी हां, बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ऋतुराज गायकवाड़ को राशिद खान ने क्लीन बोल्ड कर दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने 44 गेंदों में 75 रन बनाए। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि ऋतुराज गायकवाड़ के बाद बल्लेबाजी करने आए मोइन अली ने आते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया, लेकिन मोइन अली की पारी ज्यादा देर तक नहीं चली और फिर उन्हें भी राशिद खान ने पारी के 15वें ओवर में केदार जाधव के हाथों कैच आउट कराया। मोइन अली 8 गेंदों में 15 रन बना पाए और वहीं उसके अगले ही गेंद पर हैदराबाद की टीम को एक और बड़ा विकेट मिला। जी हां दोस्तों, चेन्नई की टीम की तरफ से इस मुकाबले में ऑरेंज कैप होल्डर बने फॉफ डुप्लेसिस को राशिद खान ने LBW आउट कर दिया। फॉफ डुप्लेसिस 38 गेंदों में 56 रन बना पाए, लेकिन फिर अंत में चेन्नई को जीत के लिए 24 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता थी और मैदान में रविंद्र जडेजा और सुरेश रैना मौजूद थे और इन दोनों ने अंत में लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई की टीम को इस मुकाबले में 7 विकेट से जीत दिला दी। तो दोस्तों, आपको इस मुकाबले में फॉफ डुप्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़ की तूफानी बल्लेबाजी कैसी लगी और आप उन्हें इस लाजवाब बल्लेबाजी के लिए 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट द्वारा हमें जरूर दीजिएगा।